बिल्कुल मंजर आम पे आना शुरू हो जाएंगे। और गालबन आपको याद होगा कि गुज़िश्ता कई वीलॉग्स में मैं मई के महीने की बड़ी अहमियत आपको उनके हवाले से बताता रहा हूँ कि 23 मई को चूंकि मरकरी अच्छी पोजीशन में आ रहा है, 28 मई को इसने और अच्छी पोजीशन में आ जाना है, तो अब मंजर आम पे आने का सिलसिला उसका आगाज़ हो चुका है और बिल्कुल नज़र आते रहेंगे ऑफ एंड ऑन आपको स्क्रीन पे। मज़ीद बेहतर अभी भी है और आगे भी नज़र आ रही है कि आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि वो कैद में हैं, लेकिन कैद में भी हो सकता है जो जायचा उनका बताता है कि वो एक शाहाना ज़िंदगी ही गुजार रहे हों अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, उनको वो तमाम सहूलियात भी मुयस्सर हों, उनको वो तमाम मुलाकातें भी मुयस्सर हों, उनको वो तमाम खुराक भी मुयस्सर हो, उनको वो तमाम लोगों से उठना बैठना भी मुयस्सर हो, तो फिर ये वो उस तरह की कैद नहीं जो एक आम इंसान को सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है। उनकी कैद के अंदर नरमी नज़र आ रही है जो कि 23 मई के बाद मज़ीद नरमी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही चीज़ें। 23 मई के बाद मजीद नरमी की तरफ जाती हुई चीजें नजर आ रही हैं। सर, हुकूमत को किस तरह देखते हैं? बहुत से एस्ट्रोलॉजर मैं सुन रहा हूँ कह रहे हैं हुकूमत के लिए 20 मई के बाद मामला तो मजीद टफ होंगे, आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल टफ होंगे क्योंकि गुरु चंडाल योग लग रहा है 21, 22 और 23 मई को, इसके नहस असरात मरतब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर 6 जून को 6 सियारों का एक घर में इकट्ठे होना, ये भी कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं दे रहा। और अक्टूबर तक इसके बद असरात, इसकी जो नहुसत है वो रहेगी कि एक तरफ हुकूमत और जो है वर्सेस अपोजिशन और आवाम होगी, और दूसरी तरफ अदलिया वर्सेस इदारे भी हो सकते हैं। तो अक्टूबर तक हालात कोई इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे और इसका आगाज 20 मई से हो रहा है गुरु चंडाल योग से। गुरु चंडाल योग का जिस तरह आपने कहा आगाज हो रहा है 20 से, तो हुकूमत अदलिया भी आमने सामने आ सकती है और दोनों अदारे एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को भी हम आमने सामने आते देख सकते हैं। क्या कश्मीर की तरह पाकिस्तान की आवाम, पंजाब की आवाम भी सड़कों पर नजर आती है आपको? बिल्कुल दूसरे सूबों की आवाम जो है 20 मई के बाद सड़कों पे आ सकती है और बेखौफ व ख़तर आती भी दिखाई दे रही है। अक्टूबर तक ये सिलसिला कश्मीर से जो शुरू हुआ है ये दीगर सूबों तक भी फैलेगा। इसका आगाज़ अगर केपी की बात की जाए वहाँ से भी हो सकता है और ये आगे फैलता हुआ बिल्कुल पंजाब तक वफाक तक पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत के लिए किसी भी हवाले से कोई बेहतर हिकमत अमली तरतीब देने के लिए कोई चारा जो है वो नज़र नहीं आ रही, तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं हुकूमत के लिए, चैलेंजेस भी हैं। फिर आगे बजट भी आ रहा है, महंगाई जो है हो सकता है बजट तक मामलात रुके हों, उसके बाद इंतजार की तरफ बिल्कुल जा रही हैं चीज़ें। सर, बजट आ रहा है जून में, तो उस पर तो हम आपसे बात करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम की है 15 रुपए, लेकिन महंगाई उस तरह कम नहीं हो रही, तो आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, ये क्या वजह है? देखिए महंगाई एक तो पहली बात इस साल कम होनी भी नहीं है, जो जायचा और जो सितारे बता रहे हैं इस साल महंगाई ने बिल्कुल भी कम नहीं होना। पेट्रोल सिर्फ कम हो जाने से महंगाई का कम होना ये पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए इकोनॉमिस्ट तो ये कहते हैं कि बाकी चीज़ों की तरफ भी जब तक आप नहीं जाएंगे तो चीज़ें कमी की तरफ नहीं आती। बहरहाल जो सितारों की बात अगर मैं करूँ तो अभी अक्टूबर नवंबर तक महंगाई बढ़ती रहेगी, बजट के बाद मज़ीद चीज़ें महंगी हो सकती हैं। वक्ती तौर पर पेट्रोल ज़रूर सस्ता हुआ होगा, जिसका मुझे दुख भी हुआ क्योंकि मैंने एक दिन पहले अपनी गाड़ी का टैंक फुल करा लिया था। तो ये चीज़ें लोगों के साथ होती हैं कि हमें सरप्राइजेज मिलते हैं, ये सरप्राइजेज का सिलसिला भी अक्टूबर नवंबर तक चलता रहेगा और बिल्कुल भी रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और हुकूमत के लिए ये कोई इतना खुश आइंद नहीं है कि पेट्रोल सस्ता वो कर देंगे और आवाम उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे, ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। सर, थैंक यू सो मच।